तो हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल अच्छा था एक्जॉटिक बर्ड्स में। और सर्दियों का मौसम अब एकदम एंडिंग में है और काफ़ी अच्छा मौसम हो रहा है, यानी दिन में अब ठंड पड़ना बिल्कुल कम हो गई है, सिर्फ सुबह और रात में काफ़ी तेज़ ठंड रहती है। तो आज का जो टॉपिक मैंने चुना है बात करने की, तो आज हम बात करेंगे कॉर्नियर की डाइट को लेकर के। तो बात करेंगे पाइनएप्पल कॉर्नियर और ग्रीन चिक कॉर्नियर को लेकर के। लेकिन जितनी भी कॉर्नियर फैमिली होती है या कॉर्नियर पैरेट होते हैं, ये लगभग सबकी डाइट एक सी ही होती है। तो चलिए मैं दिखाता हूँ कि हम इन्हें डाइट में क्या दे रहे हैं और ये क्या खाना पसंद करते हैं, क्या इनको देना चाहिए क्या नहीं देना चाहिए, और बहुत अच्छे से आप इनकी केयर कैसे कर सकते हैं। और आज जो है इन्हें एप्पल दे रहे हैं, एक केले का टुकड़ा, कुछ हरे चने, हरा मटर, काले चने, बाजरा, और इसके साथ में लोबिया, सोयाबीन, मसूर और गाजर। तो ये इनको सर्व करते हैं। तो अच्छा था एग्जॉटिक बर्ड्स के नए मेहमान एकदम आपके सामने हैं, और सबसे पहले इनसे आपको मैं इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। इसमें एक पेयर जो है वो येलो साइडेड ग्रीन चिक कॉर्नियर का है, और जो दूसरा पेयर है उसमें से एक तो पाइनएप्पल कॉर्नियर है और एक सिनेमन कॉर्नियर है। यानी ये ग्रीन चिक कॉर्नियर की ही म्यूटेशन है, लेकिन इसमें चार बर्ड में आपको तीन म्यूटेशन एक साथ देखने को मिल जाएंगी। ये देखिए, ये पाइनएप्पल और सिनेमन कॉर्नियर जो है वो बीच में बैठे हुए हैं, और आइट साइड में जो दो बर्ड दिखाई दे रहे थे ये येलो साइडेड ग्रीन चिक कॉर्नियर का पेयर है। तो अक्षत एक्जॉटिक बर्ड्स में आपको बजरीगर, फिंचेस, कॉकाटेल और लव बर्ड के बाद में ये हम अपना पांचवा सेगमेंट आज यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें मैंने चूज़ किया है कॉर्नियर फैमिली के ये पैरट को। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही कलरफुल बर्ड्स होते हैं, और मैक्सिमम लोग जो बहुत ही पैरट लवर होते हैं उनकी ये पहली पसंद होते हैं। ये बहुत ही अच्छे से हैंड टैम हो जाते हैं, और बहुत ही ये मतलब इनका जो नेचर होता है वो काफ़ी ह्यूमन इंट्रैक्शन इनको पसंद होता है, इस कारण से लोग इन्हें ज़्यादा पालना पसंद करते हैं। तो आने वाले समय में अब बीच बीच में इनके वीडियोस भी अक्षत एक्जॉटिक बर्ड्स में आपको मिलेंगे, जिसमें कि ढेर सारी जानकारी के साथ में बहुत सारा एंटरटेनमेंट भी होगा। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ख़ासतौर से बेल आइकॉन में जाकर ऑल सेलेक्ट करके बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें, ताकि हर वीडियो आपको समय से मिले। तो आइए बात करते हैं, जब कभी भी हम कोई नया बर्ड्स लेकर के आते हैं तो सबसे पहले घर लाने के बाद में हम उसकी डाइट की प्लानिंग करते हैं कि ये क्या खाते हैं, और एक इनकी जनरल एनाटॉमी के बारे में पता करते हैं कि आखिर इस बर्ड की एनाटॉमी क्या है, इसे कैसे रखेंगे, कैसे केयर करेंगे और इन्हें क्या खिलाएंगे। तो ये है इनका डाइट स्ट्रक्चर, जिसमें 50% हम फ्रेश फ्रूट देंगे, जिसमें कि फ्रूट्स होंगे, वेजिटेबल होंगे, कुछ स्प्राउट्स होंगे, ग्रेन्स होंगे। 30% हम इनकी डाइट में शामिल करेंगे पैलेट्स को, और 20% सीड्स एंड नट्स को जो हम इनकी डाइट में रखेंगे। तो नो डाउट ये बहुत ही हेल्दी, एक्टिव, बहुत ही कलरफुल, एकदम शाइनी फैदर के बर्ड्स जो हैं आपके यहाँ बहुत ही हैप्पी होंगे और बहुत ही अच्छे से रहेंगे। ये एक बेसिक डाइट स्ट्रक्चर है इनके लिए। तो देखिए किस तरीके से बहुत अच्छे से ये इसको खाना पसंद करते हैं। स्टार्टिंग में आज मैंने इन्हें ग्रेन्स, स्प्राउट, वेजिटेबल्स और फ्रूट एक साथ ही मिक्सचर दे दिया है, और सबसे पहले ये जो है एप्पल खाना पसंद कर रहे हैं। अमरूद बहुत ही अच्छे से खाते हैं इन्हें, आप अमरूद का के टुकड़े अगर देते हैं तो थोड़ी देर में ही ये पूरा फिनिश कर देते हैं उसको। तो अपने हिसाब से अलग अलग जो है वो डाइट आप सेट कर दीजिए। बस इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि बर्ड को कभी भी हमेशा एक सी डाइट नहीं देना चाहिए, इससे बर्ड जो होता है वो बोर हो जाता है। और आने वाले नेक्स्ट वीडियो में जो है हम और भी जानकारियाँ कवर करेंगे, वीडियो लंबी ना हो, इसलिए फ़िलहाल मुझे सिर्फ आज इनको आपसे इंट्रोड्यूस कराना था। बर्ड आपने देख लिया, आपको कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर 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 बताएं। और बहुत सारे व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स का कहना भी था कि आने वाले टाइम में आप कुछ और नए और कुछ नए सेगमेंट में आइए, तो हम आ चुके हैं। आज हमने बात की कॉर्नियर पैरेट को लेकर के, इनकी डाइट को और इनके डाइट स्ट्रक्चर को लेकर के। मैंने काफ़ी कुछ कोशिश की है बात करने की आपसे, उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा।
कॉर्नियोर का जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम इनके बिहेवियर की बात करेंगे, क्योंकि ये जो बर्ड होता है ये बहुत ही ह्यूमन फ्रेंडली होता है, बहुत इजी टेम होता है, ये टॉकेटिव भी होता है, अगर आप सिखाएं तो ये बात भी बहुत अच्छे से कर लेता है और बहुत सारे लोगों की ये पहली पसंद होता है। ख़ासतौर से मतलब इसका ह्यूमन इंटरेक्शन इसको बहुत ही अच्छा लगता है, और घर में जो बच्चे अच्छे होते हैं या आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए ये मतलब कोई इससे कोई मतलब ख़तरा नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बर्ड्स ऐसे होते हैं जो बाइट कर देते हैं बच्चों को या इस टाइप की प्रॉब्लम, तो ये इसके इस बर्ड के साथ में ऐसा नहीं है, लेकिन कब, जब वो हैंड टैम बर्ड हो तब। तो नेक्स्ट टाइम हम बात करेंगे इसके नेचर की, बिहेवियर की, और इसे कैसे टैम कर सकते हैं उसकी बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और ख़ासतौर से बेल आइकॉन में जाकर ऑल सेलेक्ट करके बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें, ताकि हर वीडियो आपको समय से मिले। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।